1932 के खतियान का मुद्दा एक बार फिर से मुख्यमंत्री के बयान के बाद चर्चा में आ गया है। हमारे साथ बीजेपी विधायक अमर बावरी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। अमर जी, क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस रूप से ले रहे हैं? एक तरफ तो जेएमएम कहती है कि जल जंगल ज़मीन की बात, 32 के खतियान की बात उनके मंत्री कहते हैं, और मुख्यमंत्री का ये बयान। जल जंगल ज़मीन की बात सिर्फ और सिर्फ झूठ है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, भावनाओं को भड़काने के लिए और संवेदनाओं के माध्यम से सत्ता हासिल करने के लिए। एक कल उनके वक्तव्य से कंप्लीट पता चल गया, पूरे झारखंड ने, पूरे देश की जनता को पता चल गया। आप जब 2013 में मुख्यमंत्री रहते हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हैं, तब भी तो ये सवाल था, वो कमेटी में तो आप भी थे, तब आपको नहीं मालूम था कि संवैधानिक दायरे में नहीं आ सकता है। हम लोग तो कई बार कहे हैं कि भाई आप जो है वो ऐसे वायदे करिए, ऐसी बातें बोलिए जो आप कर सकते हैं, नहीं तो उससे क्या होता है, आपका तो गिरता ही गिरता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक नेताओं का भी कद गिरता है, लोगों की साख गिरती है। सदस्य जो आप नहीं कर सकते, वो वायदे करके आपको आने की क्या दरकार है? और आप 32 के खतियान लेकर के ही सबसे ज़्यादा आक्रामक रूप से आपने चुनाव लड़ा और उसी को पसंद करके आपको यहाँ सत्ता में भेजा, और 27 महीने के बाद जब जन दबाव बना तो आप कह रहे हैं कि 32 नहीं हो सकता है, तो इससे ज़्यादा पलटी मारो और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा और मैं कह सकता हूँ गिरगिट भी जो है वो शर्मा जाए, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? केजरीवाल खुश होगा कि उससे ज़्यादा झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री आज झारखंड की धरती से पैदा हुआ है, वो निश्चित रूप से खुश होगा। और ये जो गले की हड्डी आप कह रहे हैं, गले की हड्डी आपके बाय च्वाइस आई है, आपने बाय च्वाइस लिया है, जनता उसको ठीक से निकाल देगी जब जनता के बीच में आप जाइएगा। तो क्या अब बीजेपी का क्या रुख होगा? आप लोगों ने जो बनाया था 85 का, उसको लागू करना, उसको कायम रखना चाहिए, क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? अभी भी हमारा 2016-2018 जो हम लोगों ने बनाया था वही नियोजन नीति एग्जिस्ट कर रही है। मैंने तो कल चैलेंज करके कहा कि नहीं, आपने तो प्रश्न उत्तरों में लिखा है कि वही जिन नियोजन नीति में है, आप मुंह से नहीं बोल पा रहे लेकिन आपने तो उसी को एग्जिस्ट करके रखा है, लेकिन उसमें एक संशोधन कर दिया। हम लोगों ने 85 का कटअप रखा था, इन्होंने मैट्रिक और इंटर पास को ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए कर दिया। हम लोग 10 सालों के लिए उसी जिले के मूलवासी आदिवासियों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए 100% रिजर्व रखा था, उसको आपने खोल करके ओपन फॉर ऑल कर दिया। ये अंतर है इनके कथनी और करनी में भयंकर। अमर जी, क्या लगता है ये समाधान इसका कैसे हो पाएगा? रोज इसमें नया नया पेच आते जा रहे हैं। देखिए, समाधान तो सरकार को करना है, आग उनका लगाया है, बुझाना भी उन्हीं को है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था उसमें हम लोग बताएं, हम लोगों ने नौकरियां दी, आज लोग नौकरियां कर रहे हैं। अभी इनको तय करना है कि 5 लाख नौकरियों से लेकर के, और जो वायदे जिसमें वो पलटी मार रहे हैं, 5 लाख नौकरियों का नहीं, मुर्गी पालन के लिए हम लोगों ने कहा था, सुअर पालन के लिए किया था, अब जनता इस पर विचार करे। तो ये थे अमर बावरी, और इनका कहना है कि सरकार को इस पर जल्द से कोई समाधान निकालना चाहिए, न कि इस मामले को और उलझाना चाहिए। सहयोगी पूजा के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।